नमस्कार मु आकिलास प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार कार्यक्रम को पुनर्बार मु आपण मानको स्वागत जणाए। आज ध्यान निमन्ते पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल द्वितीय विवरण पांच अध्याय 22 पदरु 33 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग है भय और भक्ति रे उभा होई आज्ञावह हुआ। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आज शास्त्रांश को मिलित भाव में पाठ करिबा। सदाप्रभु पर्वतरे अग्नि और मेघ और घर अंधार मध्यर तुम्भ मान समस्त समाज प्रति यही समस्त वाक्य उच्च स्वर से कहले आउ किछि कहले नाही। तहु से यही समस्त कथा दुई खंड प्रस्तर पटारे लेखि मते समर्पण कले। मात्र पर्वत अग्नि रे जलिबा समय रे तुम्भे मान अंधकार मध्यरु रब शुणिब। तुम्भे माने अर्थात तुम्भ मानक वंशाध्यक्ष और प्राचीन माने मो निकट को आसिल। पुणी तुम्भे माने कहिल देख सदाप्रभु आम्भ मानक परमेश्वर आम्भ मानक निकट रे आपणा प्रताप और महिमा प्रकाश करिअछंती। आउ आम्भे माने अग्नि मध्यरु ताहांक रब शुणिअछु। आम्भे माने आजि देखिलु जे परमेश्वर मनुष्य सहित कथा कहिले ही से बंची पारे। मात्र आम्भे माने एबे की हेतु मरिबा कारण एही महा अग्नि आम्भ मानको ग्रास करिवो। आम्भे माने जेबे सदाप्रभु आम्भ मानको परमेश्वर को रब आउ थरे शुणिबा तेबे आम्भे माने मरिजिबा कारण आम्भे माने जेपरी जीवित परमेश्वर को रब अग्नि मध्यरु कहिबार शुणि बंची अछु प्राणी मानको मध्यरे किए एपरी होइछि। सदाप्रभु आम्भ मानको परमेश्वर जहाँ कहिबे तुम्भे निकट को जाए ताहा शुण। पुणी सदाप्रभु आम्भ मानको परमेश्वर तुम्हें जहाँ कहिबे से समस्त कथा तुम्भे आम्भ मानको कुह। आम्भे माने ताहा शुणि पालन करिबा। तुम्हें माने जेतेबेले मते एही कथा कहिल सेतेबेले सदाप्रभु तुम्भ मानकर सेही वाक्यर रब शुणि मते कहिले एही लोक माने तुम्हें जहाँ कही अछंति आम्भे सेही वाक्यर रब शुणिअछु। से माने जहाँ कही अछंति ताहा भल कही अछंति। आहा जेपरी सेमानकर ओ सेमानक संतान गणर अंतकाल स्थायी मंगल हुए एथिपाई सर्वदा आम्भ को भय करिबाकु ओ आम्भ आज्ञा सब पालन करिबाकु जेबे सेमानकर एपरि हृदय हुअंता तुम्हें जाइ सेमानको कुह जे तुम्हें माने आपणा आपणा तंबू को फेरि जाओ। मात्र तुम्हें एही स्थान रे आम्भ निकट रे ठिया हो। आम्भे सेमानक अधिकारार्थे जेउ देश देबा सेहि देश रे सेमाने पालन करिबा पाए तुम्हें जो विधि ओ आज्ञा ओ शासन से मानक शिखेब ताहा सब आम्भे तुम्हको कहिबा। ए निमन्ते सदाप्रभु तुम्भ मानक परमेश्वर जेपरी आज्ञा दे अछंती तदनुसार पालन करिबा पाए मनोजोग करिबो। तुम्हें माने तहिर दक्षिण रे कि बाम रे फेरिबो नाही जेपरी तुम्भे माने बंचिबो ओ तुम्भ मानकर मंगल हेबो। पुणी जेउ देश तुम्भे माने अधिकार करिबो तहिरे जेपरी तुम्भ मानकर दीर्घ परमाय हेबो एथिपाय सदाप्रभु तुम्भ मानक परमेश्वर जे जे पथरे चालिबाकु आज्ञा दे अछंति सेही समस्त पथरे चालो। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आजिर पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। इस्राएल लोक माने जे 40 वर्ष पूर्वे हरेब पर्वतरे ईश्वरक ठारु 10 आज्ञा प्राप्त होइ भयभीत होइथिले सेमाने मसांकु जणे मध्यस्थी भावरे परमेश्वरक सम्मुखरे ठिया हेबा पाए अनुरोध कले। ईश्वरक उपस्थितिरे सेमानकर एहिपरि उचित भयर भाव रहिबा अत्यंत आवश्यक थिला कारण जेबे सेमाने ईश्वरक भय करिवे तेबे सेमाने ईश्वरक आज्ञाकु यथार्थ भावरे पालन करिबा पाए प्रस्तुत होइ पारिबे। इस्राएल लोकमाने सदाबेले एहि प्रकार हृदय नै एवं ईश्वरक आज्ञाकु पालन करि बञ्चन्तु बोलि ईश्वर चाहुथिले। जेउ देशरे सेमाने प्रवेश करिबाकु जाउथिले तहिरे जदि सेमाने ईश्वरक आज्ञाकु आनन्द सहकारे पालन करिवे तेबे सेमाने जे आशीर्वाद युक्त होइ बञ्चिबे एहि प्रतिज्ञाकु स्मरण करिबा द्वारा मसा आज्ञावहतार गुरुत्व उपरे जोर देइ कहिथिले। प्रिय बंधुगण आसन्तु आजिर पठित शास्त्रांशरे ईश्वर आपणाकु किभळि भावरे प्रकाश करन्ति ताहा जानु।
ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଆସୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଈଶ୍ୱର କିଣାନ ଦେଶର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ଦୃଢ଼ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେବା ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ମସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲେ, ଯାହା ଆମେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 8:6 ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1:2 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା, ଯାହା ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 4:16 ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ତାହା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।